ये क्या भारत के विकास रथ को आगे नहीं ले जाने वाला है, भारत की आर्थिक समृद्धि को आगे नहीं ले जाने वाला है, जिस चीज का खैराती खेल करते हैं? नहीं नहीं मनीष जी, देखिए इस बहुत बड़ा योगदान है जो एनआरआई है पूरी दुनिया में हम लोगों के, अमेरिका में खास करके। तो सबसे खास बात यह कि नरेंद्र मोदी ने इस ताकत को पहचाना, भारत की इस पूंजी को पहचाना और उसके साथ बहुत बढ़िया समन्वय संतुलन बनाकर उनका भी सम्मान बढ़ाया और देश का भी सम्मान बढ़ाया। और मैं इस तरह की गलतफहमियों में कभी नहीं रहता कि बाइडेन बड़ा अच्छा दोस्त है नरेंद्र मोदी का या ट्रंप से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये पावर प्ले है और ये जो कांग्रेसी हाँ बताते हैं, ये जो कांग्रेसी बताते हैं, जरा इनको जवाब दे दूं मनीष जी। जो नेहरू का बड़ा ढोल बीजते हैं कि वो गया था ताली बजी थी फलाना ढिमाका, नेहरू के 2 दौरों के बाद हिंदुस्तान की स्थिति ये थी कि जिस समय लड़ाई हुई पाकिस्तान से तो जो सुअर खाते थे वो गेहूं जो अमरीका देता था उसने वो भी देने से मना कर दिया था। ये नेहरू की 2 यात्राओं का परिणाम था। वजह क्या थी? बहुत यहां का मानसोस विदेश यहाँ का विदेश मंत्री वो कृष्णा मेनन, वो जाता था तो वहां वैश्यालयों में अय्याशी करता था। नेहरू का जो विदेश मंत्री था, नेहरू का सबसे प्रिय था, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, कि ड्रग एडिक्ट था, सेक्स मैनियक था, पागल था, बिजली के झटके लेता था, वो कृष्णा मेनन को विदेश मंत्री बना भेजा था तो वो वैश्यालयों में पड़ा रहता था। उसी का नतीजा था कि नरेंद्र नेहरू की 2-2 यात्राओं के बाद जो सुअर खाते थे वो गेहूं हमको अमेरिका देता था और लड़ाई के बाद उसने वो भी खत्म कर दिया था। तो ये इन कांग्रेसियों को तर्क की धज्जियां उड़ जाती हैं कि अमेरिका ताली बजा रहे थे जब नेहरू गए थे, ये ताली नहीं बजा रहे थे, ये गाली दे रहे थे हिंदुस्तान को। तो एक तो मनीष जी, पहला ये है, नरेंद्र मोदी ने आज जो उपलब्धियां वहां हासिल की हैं उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल सही बात है कि देश का सम्मान है और पिछले 9 साल में उन्होंने हिंदुस्तान को इस ताकतवर स्थिति में पहुंचा दिया, इतने शक्तिशाली स्थिति में पहुंचा दिया है कि अमेरिका की मजबूरी है भारत। और इस पूरे घटनाक्रम में बहुत, जैसे कहना चाहिए कि मैं ड्राइविंग सीट पे स्टेयरिंग संभाल ला अगर कोई, तो इस पूरे घटनाक्रम में जो भारत की ताकत की शक्ति की जो समझिए वार है, इसमें स्टेयरिंग सीट पर वो एनआरआई बैठे हैं, वो एनआरआई बैठे हैं जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक तालमेल बनाया, उसका परिणाम है आज ये जो अभी हम लोगों ने बातचीत की, ये नेहरू जैसे लोगों की वजह से नहीं है। बता ना कि सुअर को खाने वाला गेहूं हमको अमेरिका देता था और नेहरू हमको खिलवाता था, ये भी समझ लीजिए। 1965 में तो जो पाकिस्तान से लड़े थे उसने वो सुअर को खाने वाला गेहूं भी देना बंद कर दिया था, अन्यथा वो सुअर वाला गेहूं हमको भेज रहा था और नेहरू खा रहा था कि यही खाओ। तो ये हालत ही बता रहे, नेहरू को बड़ा सम्मान करता था अमेरिका, तो इनके मुंह पर थप्पड़ की तरह है ये सच्चाई। जो दर्शक याद कर ले इनको, जब वो कांग्रेसियों को जरा याद दिलाएं कि क्या सम्मान नेहरू का था और क्या सम्मान हिंदुस्तानियों का था नेहरू के जमाने में, कांग्रेसी इसको याद कर ले अच्छे से। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि ये वीडियो ये लोग लगातार के कर रहे हैं कि नेहरू का सम्मान करता था, वो स्थिति क्या थी। और इसीलिए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो अमेरिका भारत के साथ को पैरेलल में लेकर के जो बात कर रहा है, जो भारत का सम्मान है, वो किसके कारण है? लोग वहां मोदी मोदी चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ये डिटर्मिनेशन 140 करोड़ भारतीयों का है। डिटर्मिनेशन का मतलब कि वो अक्सर जो कहते थे, जब आप हमें प्रचंड बहुमत के साथ चुनते हैं तो हम ज्यादा ताकतवर होकर के दुनिया के मंच पे जाते हैं, ये उसी का परिणाम था।